बापरे, ये कहाँ ले आए तो मुझे? क्यों, क्या हुआ? वो मेरे पापा के पार्टी के लोग हैं, जानते हैं मुझे कुकुटू? उबर गए, उड़ लो, उड़ लो। भगवान के लिए उठाना मत। एक सेकेंड, जे अगर तुम्हारी पार्टी के लोग हैं तो जे तो मुझे भी पहचानते होगे ना? दुनिया के सामने तो तुम्हारे बाप का दामाद हूँ ना मैं। इस घटिया दाढ़ी में ना तुम्हारे खुद के माँ बाप नहीं पहचाने तुम्हें, मुझे देखिया तो क्या होगा? तुम्हें कोई दूसरा मंदिर नहीं मिला? तुम्हें कोई और बाप ना मिला? जहाँ देखो वहाँ उसके मुस्तंडे घूमते रहते हैं। 4,000 से ज्यादा मंदिर है वृंदावन में, सारे के सारे चेक करता रात भर। अरे जिस मंदिर में जाना था वो तो चेक करना चाहिए था ना। कहाँ गया पंडित जी? राहुल और दमयंती ना? नहीं, रणवीर दमयंती। दमयंती? तुम रणवीर हो, मैं दमयंती। बैठो बैठो पंडित जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सहवायां तरः शुचि पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं वृष्णाम्भिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं मह। हरि ओं महं स्वस्ति न इन्द्र बृधसवाः स्वस्ति न पूखा विषवेदाः स्वस्ति न तारचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ऋखदश्वां मरुतः पृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधेतु जग्मयः अग्निं जिह्वा मनवः सूर्यचक्षु शतमिन्द्रशरदो अन्तिरेवाय क्या पाप करवा दिया तुमने नीच? अरे पंडित जी सुने तो, ये सब गलती से हो गया, ये शादीशुदा ना है। हाँ। अरे अशोक, राजन। अरे क्या हो पंडित जी? अरे ये देखो ये क्या करवा रहा है, एक शादीशुदा लड़की से शादी करवा के मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया इसने। क्या हो गया? क्या नाम है तेरा? जी रणवीर। रणवीर या साहिब? तेरी भाई साहब मेरी बात तो सुने। भाई साहब मैं शादीशुदा नहीं हूँ, वो तो बहन जी धर्म कोई खेलने की चीज नहीं, जिसके आप प्रैक्टिस करो शर्म आनी चाहिए आपको। आप भाग्यशाली हो जो हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते। चलिए निकलिए आप यहाँ से। भाई साहब मैं ना हिंदू धर्म का अपमान ना कर रहा, ना ही हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का। मैं अपने देश से और अपने धर्म से बहुत प्रेम करता हूँ। हमारी जैसी सभ्यता पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारती। दुकान जाके ना एक अच्छी सी हरे रंग की बनारसी साड़ी लेके पंखे से लटक जाना। क्यों भाई? अरे छोटे भैया दोबारा शादी कर रहे हैं, तुम्हारी तो हुई नहीं। ये हरा पैक कर रहा है। जाओ भैया। साले कमीने, शर्म ना है तुझे? अम्मा ये इतना नालायक निकलेगा जे ना बताता मुझे। कौन सी वो लड़की? गाड़ी के थोड़ा। अरे भैया जी हरकत ऐसी करेंगे तो मुंह तो छुपाना पड़ेगा ना, बड़े भाई की पहली बार भी नहीं हुई, छोटे भैया दोबारा बैठ गए शादी करने। अरे शादीशुदा औरत से शादी करने चला था ये। शादीशुदा औरत? शादीशुदा औरत से चला रे? शादीशुदा औरत किसी घर की बीबी होती है, किसी की लक्ष्मी होती है, एक दूसरे का फिक्स डिपोजिट तोड़ेगा ये माल लेते ही का। ए, 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 बोल क्या कर रहा है? क्यों क्यों कर रहा है? देख पहले शादी तूने बिना बताई गई हमने कर छुपा गई, अब तू दोबारा शादी कर रहा है, तुझे क्या हुआ है? बता ना बेटा।
का है रे हो, मुझे कुछ समझ ना आ रही है। मत मारी गई तेरी। दादाजी मुझे वो 500 रुपया वाली वीडियो गेम भी चलेगी। बीच में मत बोल। सच में मुझे तो ना उस फूल जैसी बच्चे पर जो है तरस आ रहा, चिंता है रही उसकी। सच में हम सच कह रहे बाकी बाप को पता चले वो ना ये हरकत इसकी, पूरे खानदान को खत्म कर दिया। अम्मा मुझे देख कितना रुलाएगा माँ बाप को, तू ऐसा नहीं मानता। माफ कर दो भैया, गलती हो गई, रास्ते में कुछ खा लिया था, बैठ गया हूँ। एक विनती है बस आप सब लोगों से, जितनी बेइज्जती करनी ना घर पे ले जाके कर लो, यहाँ पे सबके सामने तमाशा मत करो। आरती होने वाले, बहुत लोग आने वाले, भैया घर ले चलो, प्लीज घर ले चलो, घर पे मारना, चलो घर पे मारना। चलो चलो चलो, कूटेंगे जमके।